नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल कंपटीशन बॉस पर। मैं हूं नितेश। दोस्तों फिर लाया हूं मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी नौकरी न्यूज़। तो तैयार हो जाइए आप इस न्यूज़ को देखने के लिए। आइए हम देखते हैं कौन से डिपार्टमेंट में कितनी भर्ती है और आप उसमें कहां स्टेबल करते हैं। दोस्तों मैं बात कर रहा हूं विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की। भर्ती निकली है राजस्थान वालों के लिए, पहले कह दूं, बाकी लोग अपना टाइम वेस्ट ना करें। लेकिन सबसे बड़ी इस भर्ती की बहुत अच्छी बात यह है कि प्रत्येक स्टेट का प्रत्येक व्यक्ति जो भी इस भर्ती के योग्य है वो इस आवेदन को भर सकता है। यानी कि सारे देश के लिए इस भर्ती के विकल्प खुले हैं, बस आप में इच्छा होनी चाहिए, इस भर्ती को फार्म भरें और फाइट करें। इतनी सी आपकी विल पावर जरूरी है। तो आइए हम देखते हैं भर्ती की डिटेल जो भी अपने यहाँ उपलब्ध है। देखो इस भर्ती में जो पद हैं वो हैं टेक्निकल हेल्पर के, यानी कि तकनीकी सहायक के पदों पर ये भर्ती है और पदों की कुल संख्या है 2433। दोस्तों ये पदों की संख्या बहुत कम नहीं है और इतनी है कि आप इस पर आसानी से फाइट कर सकते हैं, क्योंकि 2000 से ऊपर पद अगर कहीं भी आते हैं तो वो एक आदर्श भर्ती मानी जा सकती है। यानी कि इस पर आप आवेदन करें और फाइट करने के लिए तैयार रहें तो आपका नंबर जरूर आएगा। आगे हम देखते हैं इसके लिए क्या योग्यताएं निर्धारित की गई हैं। दोस्तों योग्यता की अगर मैं बात करूं तो केवल और केवल वो बेसिक योग्यता चाहिए जो आप सभी के पास है। बिल्कुल सही सोचा आपने, 10th पास यानी कि 10वीं पास अगर आप हैं तो आप इस आवेदन को भरने के योग्य हैं। और अगर मैं बात करूं आयु सीमा की तो बस केवल आपका 18 साल का होना जरूरी है। 18 साल का कोई भी व्यक्ति इस आवेदन को कर सकता है। इसमें मैक्सिमम एज लिमिट भी फिलहाल दी गई है, तो यहाँ थोड़ा सा उन लोगों को निराश होना पड़ सकता है जो मैक्सिमम एज लिमिट पार कर गए हैं। जो सोच रहे हैं कि 40 इयर्स है या 45 इयर्स है, वो तो उन लोगों को थोड़ी समस्या आ सकती है, क्योंकि यहाँ मैक्सिमम एज लिमिट है वो है 28 इयर्स, यानी कि आप 18 से 28 साल के बीच होने जरूरी हैं तो ही आप टेक्निकल हेल्पर यानी तकनीकी सहायक की इस भर्ती के आवेदन के योग्य माने जाएंगे, अन्यथा आपका आवेदन रिजेक्ट हो सकता है। अब अगर मैं बात करूं जो शैक्षिक योग्यता है उसमें और क्या क्या चीज़ें चाहिए उनकी, तो देखिए 10वीं के अलावा आपको कुछ ITI डिप्लोमा की ज़रूरत भी इसमें पड़ेगी। वो कौन कौन से हैं, अगर किसी ने ITI लाइन मैन से की हुई है तो वो इसका आवेदन कर सकता है। इसके अलावा अगर कोई इलेक्ट्रीशियन से भी ITI किए हुए है तो वो भी इस आवेदन को कर सकता है। फिर अगर पावर इलेक्ट्रीशियन या वायरमैन से किसी ने ITI की हुई है तो वो भी इस भर्ती के योग्य माना जाएगा। अगर किसी ने MBA व्यवसाय यानी कि MBA व्यवसाय में किया हुआ है तो वो भी इस भर्ती के योग्य है, और ITI है ना, और MSc योग्यता वाला भी इस भर्ती के योग्य माना जाएगा। 18 से 28 साल इसकी एज है। बाकी डिटेल्स आपको और अगर चाहिए तो दोस्तों ऐसा है कि 2 जुलाई के बाद इसकी कंप्लीट डिटेल्स अपने सामने होंगी। विज्ञापन अभी पूर्ण तौर से जारी नहीं किया गया है, केवल संक्षिप्त विज्ञापन ही जो है अभी अपने हाथ लगाया, जो मैं आपको उसमें ये सारी डिटेल बता रहा हूँ। अब ये आवेदन अपन कब तक भरें, तो दोस्तों अपने पास टाइम है। आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो है 23 जुलाई, यानी अभी पूरा पूरा अगर देखा जाए तो एक महीने से थोड़ा सा कम समय, यानी करीब करीब अपन मान सकते हैं कि अपने पास इस आवेदन को करने का एक महीना है। और जब 2 जुलाई की बात आ रही है कि 2 जुलाई से विज्ञप्ति पूरी सामने आएगी, तो यानी कि 2 जुलाई के बाद ही आप आवेदन कर पाएंगे। बाकी किसमें जो शुल्क कितना है यानी फीस कितनी है और कैटेगरी वाइज आरक्षण कितना है, रिजर्वेशन कितना है, या फिर और भी कोई चीज़ें आपको जाननी है, तो फिर आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। मेरा अगला वीडियो जब तक आपके सामने ना आए तब तक आप थोड़ा इंतज़ार करें। फिलहाल इस भर्ती को आप तैयार हो जाएं इस भर्ती के लिए। तो दोस्तों फिर मिलता हूँ आपसे किसी ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।